हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरफिट शेयर्स अकाउंट इन द बैलेंस शीट, यानी कि जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं उनको बैलेंस शीट के अंदर कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कवर करवाया टॉपिक जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है और उन्हीं फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर देता है तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखी है, देखिए ताकि आपके स्टडी कंसिस्टेंसी से चले। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं कि द प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरफिट शेयर, यानी कि जो शेयर जब्त किए गए कंपनी द्वारा, तो उन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को बैलेंस शीट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी की बुक्स के अंदर। बैलेंस इन फॉरफिट शेयर्स अकाउंट इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स एज अ लास्ट एंट्री आफ्टर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। क्या जो बैलेंस बचेगा शेयर फॉरफिट अकाउंट का उसको कहते हैं नोट्स टू अकाउंट में हम दिखाएंगे लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री का मतलब क्या है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप या फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के बाद दिखाया जाएगा। इन अदर वर्ड, अगर आप दूसरे शब्दों में बात करें तो मतलब क्या है इसका, कहते हैं फॉरफिट शेयर्स अकाउंट इज़ नॉट एडेड आइदर टू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कहते जो फॉरफिट शेयर अकाउंट है उसको हम ऐड नहीं करेंगे, ना ही तो ऐड करेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में और ना ही ऐड करके चलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में, केस कोई भी हो। एंड इज शोन सेपरेटली, कहते इसको अलग से ही दिखाया जाएगा लास्ट आइटम शेयर कैपिटल के अंदर। इट इज शोन इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, जैसे एग्जाम्पल 28 दिया गया है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखा है। कहते ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये ईच है। पेबल कैसे किया गया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ऊपर 50 रुपये, फर्स्ट कॉल के ऊपर 25 और सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 25। तो इस तरीके से 100 रुपये पूरे कर लिए कंपनी ने। मेंबर जिनके पास 400 शेयर्स थे, कहते डिड नॉट पे द सेकंड कॉल। कहता जिनके पास 400 शेयर थे उन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी। एंड शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिट, कहता उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और 300 शेयर हैं जो रीइशू कर दिए गए हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे 400 तो फॉरफिट किए गए हैं लेकिन रीइशू सिर्फ 300 किए गए हैं, मतलब 100 शेयर है जो रीइशू नहीं किए गए हैं। जो ये रीइशू किए गए 300 शेयर, कहता फुल्ली पेड, फुल्ली पेड का मतलब है कि 100 रुपये वाला कितने में इशू कर दिया, 80 रुपये में, यानी यहाँ पर डिस्काउंट पे इसको रीइशू किया गया। तो कहते हैं इसकी एंट्री करके दिखाओ और प्रिपेयर करो शेयर कैपिटल को और फॉरफिट शेयर अकाउंट का बुक्स होता कंपनी में। तो अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से हम इसको करते हैं। शेयर की फेस वैल्यू देखते हैं कि शेयर की फेस वैल्यू है कितनी, 100 रुपये है। कैसे कंपनी ने मंगवाए, तीन हिस्से करके मंगवाए हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी मंगवा ली, कितने रुपये, 50 रुपये, फर्स्ट कॉल के 25 रुपये और फाइनल कॉल के ऊपर कितने मंगवाए हैं, 25 रुपये। कहते यहाँ पे 10,000 शेयर है जो कंपनी ने इशू किए गए हैं, लेकिन कहता एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 400 शेयर हैं, डिड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। कहता उसने ये कॉल नहीं दी, मतलब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक दे दी है, ये उसने पे नहीं किया, इसके बाद शेयर्स को फॉरफिट करके क्या कर देना, रीइशू कर देना है। अब यहाँ तक हम ट्रीटमेंट करते हैं कैसे बुक्स में अपन दिखाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की जो मनी होती है वो कंपनी को रिसीव होती है, तो बैंक आता है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या करती है कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है। टू में शेयर, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों है तो दोनों को इकट्ठा दिखा देते हैं। 10,000 शेयर हैं, 50 रुपये के हिसाब से कितना पैसा मिल जाएगा कंपनी को, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। इसी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं, फिर जब इनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, शेयर कैपिटल। तो टू में क्या चला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख से और ये 5 लाख से। शेयर अलॉटमेंट करने के बाद क्या होती है, शेयर कैपिटल बन जाती है। उसके बाद ड्यू किया जाता है फर्स्ट कॉल को, 10,000 शेयर हैं, 25 रुपये के हिसाब से इनसे फर्स्ट कॉल मंगवाई जाएगी। तो किस तरीके से करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल पहले ड्यू की जाती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर हैं, 25 रुपये के हिसाब से मंगवाया जाएगा, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया मंगवा लिया। फिर कंपनी को रिसीव होती है ये कॉल तो बैंक अकाउंट डेबिट कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। टू में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से 2.5 लाख रुपये यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे।
ढाई लाख दिखा दिए जाएंगे। फर्स्ट कॉल तक कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड कॉल को ड्यू तो पूरा ही किया जाएगा 25 के 25, लेकिन जब रिसीव होंगे वो 400 शेयर होल्डर्स है, जो रिसीव नहीं होंगे तो कम पैसा जो रिसीव होगा। तो जब ड्यू किया जाएगा तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट किया जाएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट कर देते हैं टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से 10,000 शेयर हैं, 25 रुपये के हिसाब से हमने ड्यू कर दिया ये 2,50,000 रुपया, लेकिन रिसीव है जो 2,50,000 नहीं होगा क्योंकि 400 शेयर ने 25 रुपये की जो कॉल है वो दी नहीं है। तो जो यहाँ पे बैंक रिसीव होगा तो फिर बैंक क्या होगा, कम रिसीव होगा। तो जब एंट्री की जाएगी इसको रिसीव करने की कॉल को तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम से। तो हमने देखा कि 2,50,000 है जो ड्यू किए गए थे, लेकिन 400 शेयर ने 25 रुपये की जो ये कॉल है दी नहीं है, 25 चौका 100, तो यहाँ पे 10,000 रुपये जो दिया नहीं है, तो कंपनी को कितना मिला होगा, सिर्फ 2,40,000। 2,40,000, तो 2,40,000 कंपनी ने क्या किया, बैंक का जो रिसीव कर लिया। अब इसके बाद कहते हैं कि जो शेयर्स थे इनके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फोरफिट कर लिया गया। तो जब शेयर्स फोरफिट किए जाते हैं उससे शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एंट्री क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि इशू करते समय अपन शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब वापस मंगवाएंगे शेयर तो कम हो जाएगी शेयर कैपिटल, जिससे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इस 400 शेयर ने हमें क्या नहीं दिया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। टू में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिखते हैं, फाइनल कॉल के। अब ये उसके बाद जितना पैसा पे कर चुका है शेयर होल्डर उसको क्या कर लिया जाएगा, शेयर फोरफिट के नाम से। अब हमने देखा कि 400 शेयर्स थे, 400 शेयर्स ने 50 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 25 रुपये दे दिए हैं फर्स्ट कॉल के, तो कितने दे चुका है, 75 रुपये वो दे चुका है। 400 × 75 करेंगे तो यहाँ पे 30,000 रुपये जो कंपनी क्या कर लेगी, उसके फोरफिट कर लेगी। यहाँ 400 शेयर्स उसने कॉल के कितने रुपये नहीं दिए हैं, 25 रुपये कॉल के नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे 10,000 है जो कॉल के रिसीव नहीं हुए। 400 शेयर्स से मंगवाए 100 के 100 गए थे उससे, तो यहाँ पे टोटल 40,000 है जो मंगवाए गए थे। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया, रीइशू कर दिया गया इन शेयर्स को। जो रीइशू किया गया है, अब टोटल शेयर 400 के 400 रीइशू नहीं किए, इनमें से सिर्फ 300 शेयर को रीइशू किया गया है। जो कंपनी ने फोरफिट किए हैं शेयर, फोरफिट किए तो शेयर कितनी है 400, लेकिन रीइशू कितने किए गए हैं, रीइशू किए गए सिर्फ 300 शेयर। कहते जो ये 300 शेयर रीइशू किए गए हैं फुल्ली पेड, फुल्ली मतलब 100 वाला कितने में रीइशू कर दिया, 80 रुपये में। यानी कि यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, डिस्काउंट में इसको रीइशू किया है। जब रीइशू किया कंपनी तो बैंक आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट पे जब रीइशू किया जाता है तो क्या किया जाता है, फोरफिट अकाउंट को ओपन किया जाता है। फोरफिट शेयर्स डेबिट टू में रीइशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, टू में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 300 शेयर को रीइशू किया गया 80 रुपये में, तो यहाँ पे 24,000 रुपये कंपनी को रिसीव हो जाएंगे। 300 शेयर 100 वाला 80 में दिया 20 डिस्काउंट, तो यहाँ पे 6,000 क्या होगा डिस्काउंट का। 300 शेयर्स हैं फेस वैल्यू 100 रुपये, तो यहाँ पे 30,000 क्या आ गई, शेयर कैपिटल आ गई। अब बारी आती है शेयर फोरफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, तो यहाँ पे हम एंट्री करके चलते होते हैं शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल रिजर्व के नाम से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है बच्चों कि जितने शेयर इशू किए जाते हैं सिर्फ उतना ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। अब यहाँ पे 400 तो फोरफिट किए गए हैं लेकिन रीइशू सिर्फ 300 किए गए हैं, तो 300 शेयर्स का फोरफिट अकाउंट का बैलेंस कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अब हम देखते हैं कि 400 शेयर्स थे जो, 400 शेयर्स के केस में फोरफिट के अंदर कितना पैसा हमने डाला था। तो जब हमने इसको फोरफिट किया 400 शेयर्स को, तो हमने फोरफिट में 30,000 रुपये डाल रखे हैं, तो 30,000 रुपये फोरफिट किए गए हैं, जबकि कंपनी ने सिर्फ 300 शेयर्स को ही रीइशू किया है। तो यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व है तो 400 के पीछे है, मुझे 300 का निकालना पड़ेगा। जो 30,000 फोरफिट है, फोरफिट का पैसा 30,000 है जो 400 शेयर्स के पीछे है, तो मैंने 300 शेयर जो रीइशू किया उनका मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 30,000 × 400 × 300 करके, तो अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा। यानी कि 300 शेयर्स के पीछे कितना आ गया फोरफिट का पैसा, 22,500।
अब 300 शेयर रीशू किए गए हैं तो उसमें डिस्काउंट के ऊपर कितना आया है, 600 डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ पे माइनस करते हैं डेबिट बैलेंस शेयर फोरफिट का 6000 आया है। यहाँ पे 6000 जब माइनस किया जाएगा तो 16500 क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये पैसा वो है फोरफिट का जो रीइशू किए गए शेयर्स का हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे जो कैप रिजर्व में जाएगा 16500। मैं दोबारा फिर रिपीट करती हूँ बच्चों, ये पॉइंट मेन है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में सिर्फ वही पैसा जाता है जो रीइशू किए गए शेयर्स का होता है। अब यहाँ पे हमने देखा 400 शेयर्स फोरफिट करके, लेकिन रीइशू सिर्फ 300 की है। तो यहाँ पे जो 400 शेयर्स का फोरफिट का बैलेंस 30000 बनता था, मैं 30 को नहीं उठा सकती क्योंकि मैंने 300 शेयर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। जो 30000 फोरफिट का बैलेंस है वो 400 शेयर के पीछे था, 300 का मैंने कैलकुलेट किया 22500। तो ये तो क्रेडिट बैलेंस है हमारा शेयर फोरफिट का। तो जब हमने इन 300 शेयर्स को रीइशू किया उस टाइम पे डिस्काउंट पे 6000 डिस्काउंट था, तो डेबिट बैलेंस मैंने माइनस कर दिया इसमें से शेयर फोरफिट का, तो अपने पास कितना रह गया 16500। यही 16500 अब कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये तो 400 शेयर्स में से 300 का तो हिसाब हो गया। अब बारी आती है बचे 100 शेयर्स की, तो 100 शेयर्स का हम बैलेंस निकालते हैं। हमने देखा कि टोटल जो 30000 शेयर फोरफिट का बैलेंस है वो 400 शेयर्स का था, तो जो 100 शेयर्स रीइशू नहीं किए गए हैं 100 शेयर्स का बैलेंस कितना बनेगा, 7500। अब ये हम कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे, क्योंकि 300 शेयर्स का बैलेंस तो मैंने यहाँ कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट कर दिया, 100 शेयर्स का कहाँ एडजस्ट करेंगे, बैलेंस शीट में सेपरेटली इसको दिखाया जाएगा फोरफिट शेयर अकाउंट के नाम से। एंट्री जर्नल एंट्री यहाँ तक होएंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले बनाए जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम दिखाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद आती है इश्यूड कैपिटल। तो यहाँ पे इश्यूड कैपिटल में क्या है, इश्यूड कैपिटल में कहता कि 10000 शेयर्स हैं, 10000 इक्विटी शेयर 100 रुपये का ईच है, तो यहाँ पे 1000000 रुपये जो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप के ऊपर असर क्या देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो नेक्स्ट हेड आता है हमारे पास सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, हमने देखा कि 10000 शेयर्स थे, 400 वापस मंगवा ले तो माइनस हो गया 400, क्योंकि 400 से शेयर्स क्या हो गए, कम हो गए। फिर जब 300 दोबारा रीइशू किए तो प्लस कर देंगे 300, क्योंकि 300 रीइशू करने से क्या होगा, शेयर कैपिटल दोबारा बढ़ गई है। 400 जब वापस मंगवाए फोरफिट किए तो माइनस कर दिया, जब दोबारा रीइशू कर दिए तो ऐड कर दिया गया। तब यहाँ पे हमारे पास शेयर्स कितने रह गए, 9900 शेयर्स रह गए हैं। उसमें हमने देखा कि 100 का ईच है तो 990000 क्या हो गया यहाँ पे, शेयर कैपिटल आ गई। अभी यहाँ पे हम अलग से दिखाएंगे इसको फोरफिट शेयर्स, जो 100 शेयर्स हमने रीइशू नहीं किए हैं। तो हमने जो 100 शेयर इशू नहीं किया उसका फोरफिट का बैलेंस हमने कितना कैलकुलेट किया, 7500। तब यहाँ पे उसको ऐड करके दिखाएंगे 997500 से। बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे जब इसे, बैलेंस शीट में जब शेयर कैपिटल आता है पहला हमारे पास ऐड ए, जो कैलकुलेट किया हमने 997500 आ जाएगा। नेक्स्ट हेड आता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें शेयर फोरफिट में जो कैपिटल रिजर्व में पैसा डाला था, कैपिटल रिजर्व में डाला था 16500 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल करेंगे 1014000 की आ जाएगी लायबिलिटी साइड आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों समझा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कुछ सजेशन या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।